दुनिया में शायद कोई ऐसा देश हो जहां की सेना इस तरह से कारोबार चलाती हो। पाकिस्तान में हर फैसला फौज के इशारे पर लिया जाता है। बीती रात पाकिस्तान में फौज के इशारे पर ही एक और फैसला लिया गया है, जिसे सुनकर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग परेशान हैं। क्या है वो फैसला, इस्लामाबाद से आई इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमतों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। बीती रात पाकिस्तान में अचानक तेल की कीमतें बढ़ा दी गईं और सुबह सुबह पाकिस्तानियों को ये बुरी खबर मिली। पाकिस्तान की आवाम सिर्फ तेल के दाम देखकर हैरान है। कहने के लिए पेट्रोल के दाम सिर्फ 2 रुपए बढ़े हैं, लेकिन जनता इतनी मुश्किलों में है कि एक एक पैसा उन्हें भारी लग रहा है। इस्लामाबाद में इस समय केयरटेकर सरकार है, जिसके वजीर आजम अनवार उल्लाह काकड़ है। दावा है कि उनकी सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है, हालांकि जाते जाते उन्होंने तेल के साथ गैस का मीटर भी तेज कर दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को नई सरकार का इंतजार है। सबको लगता है कि नई सरकार आई तो दाम बढ़ने का सिलसिला थमेगा, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पूरे मामले पर एक नया खुलासा किया है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तानियों के लिए पिछले 24 घंटों से सिर्फ बुरी खबरें आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, इसकी वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज 900 पॉइंट गिर गया। दावा यह है कि पाकिस्तान को लोन देने वाली एजेंसी IMF के इशारे पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में चर्चा है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो सिर्फ ट्रेलर हैं, असली पिक्चर तो सरकार बनने के बाद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ZEE मीडिया।